हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेम पटेल। आज मैं आपको बताऊंगा मारुति सुजुकी की सिलेरियो 2020 मॉडल में आने वाले स्पीड मीटर और MID के फंक्शंस। चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं सिलेरियो कार, मारुति सुजुकी सिलेरियो 2020 का स्पीडोमीटर। आपको इग्निशन ऑन करना है। इग्निशन ऑन करने के बाद ये RPM मीटर, ये स्पीड बढ़ के और ये पहला फंक्शन। आपको स्टिक को, आपको पेट्रोल देखना है गाड़ी में कितना है, देख सकते हैं। उसके बाद आपका आपको ट्रिप सेट करनी है, तो इधर ट्रिप सेट करनी है तो इधर क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ए ट्रिप, बी ट्रिप, और फिर से हमारे गाड़ी का रनिंग कितना हो रहा है वो देख सकते हैं। और उसके बाद उसको दबाने से हमारी गाड़ी कितनी चलेगी और इस फ्यूल में। उसके बाद ये कुछ नहीं, एवरेज अपनी गाड़ी कितनी दे रही है। और उसके बाद आपको किलोमीटर फिर से लाना है, दबाने पर आपको मीटर दबाने का रखना पड़ेगा, बस एक ट्रिप से हो जाएगी। जैसे आपको स्टिक को प्रेस करने पड़े, लाइट इससे लेकर क्लॉक टाइमिंग सेट कर सकते हैं आप। उसके बाद डोर, डोर से क्या होगा, D1 मतलब क्या कि गाड़ी जब हमारी स्पीड 15 से अधिक स्पीड में जाएगी तो सब डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। D2 का मतलब क्या है, हमारी गाड़ी में आने वाली की है उसको एक बार दबाने से हमारा ड्राइवर साइड डोर ओपन होगा और दूसरे बार दबाने से सब डोर ओपन होंगी। D3 बैक। उसके बाद लाइट, लाइट का फंक्शन आपको पता है। एंड ये थे सिलेरियो कार में आने वाले फीचर्स। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर।